उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर आज तक देश के प्रत्येक तहसील में धरना प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध किया गया। बरेली में आज समस्त तहसीलों में धरना देकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जमकर विरोध किया। इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बरेली आंवला तहसील में डॉक्टर जीराज यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में धरना प्रदर्शन किया गया। SDM आंवला को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार और पत्रकारों पर हो रहे हमले को भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया। धरने के दौरान बड़ी विचित्र बात देखने में आई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के चेहरे यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में और उनके सम्मान में धरने और आंदोलन किया करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम की टोपी को अपने पैरों के नीचे पड़ा हुआ नहीं देख पाए। लगातार अपनी बातों को रखते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता अखिलेश यादव के नाम की टोपी अपने पैरों के नीचे दबा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा। बड़ा आश्चर्य जब दिखाई दिया। अखिलेश यादव के आह्वान पर आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया गया। उसी के नाम की टोपी पैरों तले रौंद रहे हैं। आंवला में SDM को ज्ञापन देने आए समाजवादी पार्टी दोस्तों में नजर की आपकी जान पड़ी। पहले तो वहां के चेयरमैन अरविंद अली ने ज्ञापन सौंपा, उसके बाद डॉक्टर जीरा यादव ने SDM को ज्ञापन दिया। इस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आंवला में आप भी दूरियां नजर आती दिखाई दी। उनकी समस्याओं को हमने इससे जोड़ा है। पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमले और हत्याओं पर रोक लगाई जाए, इन्हीं मांगों को के माध्यम से हम ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पत्रकार साथियों को पीट करके काम किया और उस तरह से ज्यादा संख्या में जिला पंचायत के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया। हम तो कहते हैं योगी सरकार से अगर वापस नहीं चलता तो हम तुझे नामर्द समझते हैं, नामर्द समझते हैं। लोग यहाँ कैसे एकत्रित हुए? आज हम लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने आए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं 350 वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो चुका है, 80 रुपये किलो जो हम लोग सरसों का तेल खाते थे वो 200 रुपये लीटर हो चुका है। किसानों के ऊपर काला कानून बिल थोप दिया गया है। किसान 1.25 साल से लगातार उस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मगर सरकार सो रही है। महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं की दाल, तेल, आटा, साबुन, मसाले सब महंगे होते चले जा रहे हैं। गरीब जनता का बजट बिगड़ा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर जिस हम लोग निकले हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुखी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करके सीटें हथियाई हैं, उनको उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं। गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, खान पीन की वस्तुओं को सस्ता करने की हम लोग मांग करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर नारी शक्ति, महिलाओं सुरक्षित रहें, इसकी भी हम मांग करते हैं। पत्रकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, बदतमीजी हो रही है, उनकी जान जा रही है, उनका भी हम लोग विरोध दर्ज कराते हैं, उनको रोका जाए तत्काल। और जो ये सरकार आम शरीफ नागरिक समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लाद रही है उसको तत्काल बंद करे, वरना अभी तो हम लोग सैकड़ों और हजारों की तादाद में यहाँ आए हैं। अगर ये सब गुंडागर्दी बंद नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि समाजवादी ना कहीं रुकते हैं ना झुकते हैं। अगर वक्त आ गया तो हम लाखों की तादाद में इसी तहसील पे इकट्ठा करेंगे और इस सरकार की चूल से चूल और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। देखिए साथियों, आज ये धरना हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के आह्वान पर यह धरना दिया गया है। पूरे प्रदेश में तहसील स्तरों पर यह धरना है और इस धरने पे मेरे पूरी विधानसभा से साथी आए थे और विधानसभा के साथ साथ बरेली से भी मेरे कुछ मिलिट्री के लोग, जो फौजी लोग थे, मुझ पर श्रद्धा और आस्था रखते थे, काफ़ी लोग इस संख्या में यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ये धरना इस बात पर रखा गया है कि जो इस समय सरकार चल रही है माननीय योगी जी की और केंद्र में माननीय मोदी जी की, साथियों इस सरकार ने जो अभी पंचायत के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में इन्होंने गुंडागर्दी के बल पर, अपने प्रशासन के बल पर बेईमानी करके ये सीटें जिता लीं। लेकिन हमारे हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में सपा के कार्यकर्ता निकल चुके हैं। इन्होंने तो बहुत बदतमीजी करके, गुंडागर्दी करके महिलाओं से ये सरकार, ये पंचायत चुनाव जीता है।
लेकिन हम लोग सत्ता में आने वाले हैं और 2022 में जब माननीय भैया अखिलेश यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे तो हम लोग बहुत आसानी से सब ब्लॉक प्रमुखों को प्रमुखी दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों को तानाशाही दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, हमारा एक एक समाजवादी का साथी इनके 50 बीजेपी वालों के साथियों पे हावी होकर के रहेगा। हमारे समाजवादी का साथी, हमारा समाजवादी सिपाही लटकाने में भी मजबूत है, पिटने में भी मजबूत है, लेकिन साथियों समाजवादी सरकार आ गई तो ये बीजेपी वाले एक एक हाथ और ये लट झेल नहीं पाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ औला विधानसभा से। इससे पहले भी धरना दिया गया और आप ही की पार्टी के माध्यम से दिया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? साथियों, ये बात सही है, पहले सरकारों में, हर सरकार में थोड़े बहुत दंगे होते हैं, लेकिन हम समाजवादी वाले इन भाजपा सरकार से फिर भी शांत प्रिय अपना आंदोलन करते हैं और बहुत शांतिपूर्वक, आप देख लो आज धरना भी हमारा चल रहा है। बीजेपी वालों ने तो हद कर दी, ये कौरवों की सेना बन गई जिन्होंने दुशासन की तरह लखीमपुर खीरी में हमारी एक महिला बहन को उनकी धोती खींचकर उन्हें नंगा करने का काम किया। वो हमारी महिला बहन केवल पेटीकोट और उसमें ब्लाउज में दिख रही है। साथियों, जिस दिन हम लोगों की सरकार आएगी और भैया यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, हम लोग पांडव बन के और श्री कृष्ण बन के और भीम बन करके इनकी टांग तोड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन साहब ने और आपने अलग अलग ज्ञापन दिया। साथियों, चेयरमैन साहब औला के हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कोई अलग आंदोलन नहीं किया है। वो उनके साथ कुछ हमारी महिलाएं बहनें थीं, महिलाएं बहनों की वजह से, गर्मी की वजह से वो पहले आकर के अपना ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन हमने अपने चेयरमैन साहब आबिद भाई को अपनी तरफ बुला लिया और हम लोगों में कोई कटुता नहीं है, हम चेयरमैन साहब के साथ हैं और हमारे सभी समाजवादी उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं।